Hello and Namaste, I am your teacher Rajat Sharma and I gonna teach you today one basic technique of dance. Basically मैं आज आपको एक ऐसी technique सिखा रहा हूँ जो आप easily dance में use करके अपने dance steps choreograph कर सकते हैं या कोई भी performance आप ready कर सकते हैं. Actually क्या होता है, कभी कभी हम लोग किसी marriage या किसी function में होते हैं और अचानक हमको कोई dance करने के लिए कह देता है या हमको dance करना पड़ता है, तो उस टाइम पे हमारे पास कोई पेस रेडी नहीं होता है, कोई कोरियोग्राफी नहीं होती है, कोई डांस रेडी नहीं होता है, तो हम घबरा जाते हैं. मैं आज जो आपको टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ वो बहुत इजी और बहुत ही यूज़फुल टेक्निक है. उसको आप यूज़ करके खुद स्टेप्स बना सकते हैं और दूसरों को भी नचा सकते हैं. तो ये जो टेक्निक है इसको हम 4 पार्ट्स में करेंगे, जिसका फर्स्ट पार्ट मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ. 3 पार्ट्स और मैं आपको अदर वीडियोज़ में सिखाऊँगा. तो एक्चुअली ये स्टेप्स जो हैं हम हमारी बॉडी पार्ट्स को यूज़ करके करेंगे. तो बेसिकली हमको पहले जानना ये ज़रूरी है कि हम कौन कौन से पार्ट्स को यूज़ करके डांस कर सकते हैं. तो फर्स्ट हमारा बॉडी पार्ट्स है रिस्ट, दिस इज जॉइंट. सेकंड एल्बो, शोल्डर, नेक, वेस्ट, नीज एंड एंकल्स. ये 7 पार्ट्स को हम यूज़ करेंगे डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट एंगल से, और स्टेप्स कैसे बनती हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा. सेकंड चीज़, जब हम कोई स्टेप्स बनाते हैं तो उनको 8 काउंट में हमको डिज़ाइन करना होता है, क्योंकि यूजुअली हर सॉन्ग का पैटर्न 8 काउंट या 4 काउंट का होता है. तो हमको उसी तरीके से स्टेप्स को बनाना है क्योंकि हम कोई भी गाने पे उसको कर सकें. तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का फर्स्ट रूटीन. सो स्टार्ट करेंगे, दोनों हाथ आपके होंगे फर्स्ट शोल्डर पे, क्रॉस हैंड एंड दोनों हाथ शोल्डर पे. सेकंड काउंट में ओपन हैंड एंड अगेन शोल्डर. थर्ड काउंट राइट हैंड की एल्बो पे लेफ्ट हैंड को टच करना है, तो थर्ड एंड सेम. 4 एंड 5 एंड 6 एंड 7 एंड 8. वाओ, ये तो बहुत इजी था. चलिए वापस एक बार ट्राई करेंगे हम. 1 2 3 4 5 6 7 8. अब इसको बार बार प्रैक्टिस करके हमको इम्प्रूव करना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8. डिपेंड आप पे करता है कि आप इसको कितनी डिफरेंट स्टाइल में कर सकते हो, कैसे इसको डांस के साथ या कैसे म्यूज़िक के साथ यूटिलाइज कर सकते हो. ओके, नाउ सेकंड रूटीन. सेम इसी तरीके से हमको सेकंड रूटीन डिज़ाइन करना है. तो सेकंड रूटीन का फर्स्ट काउंट शोल्डर. नाउ अभी ज़रूरी नहीं है कि आप शोल्डर टच ही करो, आपके दिमाग में क्रिएटिविटी चलनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं. आपको पता होना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि हम उसको टच करके खड़े हैं. 1 नाउ 2 दोनों एल्बो को दोनों हाथ से टच करना है. 2 3 4 5 6 शोल्डर हैंड, 7 एंड 8 रिस्ट जॉइंट. ओके, सो फर्स्ट काउंट पे क्या किया हमने, शोल्डर, एल्बोज, वेस्ट, नीज, एल्बो, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, राइट रिस्ट. ओके, सो 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. बहुत इजी था. तो इसको मैं आपको म्यूज़िक के साथ करके बताता हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा कि हमको काउंट्स के साथ, म्यूज़िक के साथ कैसे स्टेप्स करना है. बट प्रैक्टिस आपको करनी है इसकी. यस, आई होप आपको ये चीज़ बहुत पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। बहुत इजी था, मैंने फास्ट म्यूज़िक के साथ किया। आप स्लो म्यूज़िक पे प्रैक्टिस कर सकते हो, 1-1 स्टेप्स करके कर सकते हो। मैंने पूरे रूटीन को एक साथ किया, आप ब्रेक डाउन करके कर सकते हो, लाइक 1 और 2 काउंट, ओनली दिस 1 2 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 that much। I hope आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आपको पसंद आया तो आपके फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स को सबको ये वीडियो शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट इजी स्टेप्स की नेक्स्ट सीरीज़ में। मैंने आपको बताया है इसकी 4 सीरीज़ में लॉन्च करूँगा। तो ये फर्स्ट सीरीज़ थी, मिलते हैं इजी स्टेप की सेकेंड सीरीज़ में। तब तक के लिए ये वीडियो देखो और खूब सारी प्रैक्टिस करो, क्योंकि नेक्स्ट सीरीज़ आपको तभी समझ में आएगी जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।